जो नजारा है वो सामने नजर आ रहा है। लेकिन इंदौर के इस मंदिर के सबसे खास तस्वीर तांडव आरती की होती है, क्योंकि ये मंदिर तांडव आरती के लिए बहुत दूर दूर तक। बिल्कुल कन्हैया, तो हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना, इंदौर और देहरादून से, जो कि अलौकिक दर्शन करा रहे हैं भोलेनाथ के। और शायद ये नजारा आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि वहां शिवरात्रि के इस पावन मौके पर घर बैठे बैठे ही आप प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। तो लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी। हमारे सभी सहयोगियों से हम ये कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़ी जो कुछ मान्यताएं हैं, जो कुछ कथाएं हैं, उसके बारे में भी यहां जिक्र करना जरूरी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की अगर बात करें तो यहां भक्त भगवान शिव की आराधना करने में जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि भगवान महाकाल सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ऐसे हाथ कहीं नहीं मिलते भारत में, यही ऐसे हाथ मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ पे हर भक्त की इच्छा जरूर पूरी होगी, ये मैं दिल से बोलती हूँ। आज की आरती इतना बढ़िया था कि आज तक हमने ऐसी आरती देखी है। आज शिवरात्रि रात्रि 10:00 से लग रही है, और क्योंकि आज प्रदोष हम लोगों का व्रत होता है, तो आज से अगर व्रत रख के कल तक हम लोग इसको 12 बजे तक मनाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि महाशिवरात्रि, इसमें रात्रि में हमारे प्रदोष काल के दौरान व्यापनी महानिशा में हम लोग अगर पूजन करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आज मंदिर में मठ की ये व्यवस्था है कि हम लोग रात्रि में 12 से 2 बजे के बीच में अभिषेक पूजन और 2 बजे के उपरांत हम लोगों की आरती रहेगी, और पट 3:30 बजे खुलेंगे। तो सारे दर्शनार्थी और श्रद्धालु और जो व्रती लोग हैं जिनको व्रत रखना है, उनसे ये आग्रह रहेगा कि वो 10 बजे के बाद में अन्न नहीं लें और कल सारे दिन तक इस व्रत को मनाएं। जो मंदिर पहुँच सकते हैं बेहतर है, नहीं तो जहाँ पे भी कार्यालय है या कार्यस्थल है वहाँ पे पहुँच जाएं और मन से भगवान भोलेनाथ को याद करें, क्योंकि अधिक जो हमारी शास्त्र में मान्यता है कि मानसिक पूजन की है हर व्यक्ति, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सारे मठ मंदिरों तक नहीं पहुंच सकता है, तो मन में अगर ध्यान करते हुए भोलेनाथ का ध्यान करेंगे तो उतना ही पुण्य प्राप्त होने वाला है जितना आप मंदिर में आके दर्शन के हेतु करते हैं। मुंबई के गिरगांव चौपाटे में स्थित बाबुलनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप देख सकते हैं जो लोगों की भीड़ है, ये कल देर शाम से ही उमड़ी हुई है, और आज जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे ये भीड़ बढ़ती जाएगी। साफ तौर पर आप देखते हो कि लोग की जो श्रद्धालु है शिव जी की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, लोग जल से दूध से अर्पण कर रहे हैं और मनोकामनाएं मार रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो मुंबई से ही नहीं बल्कि मुंबई के बाहर से लोग से दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और ये दिन भर आज ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मुंबई की पुलिस मंदिर के बाहर और अंदर दोनों तरफ तैनात है, इस बात के लिए कि किसी चीज की अनहोनी न घट सके। लेकिन एक बात हम बताते हैं, जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, और आज ये जो भीड़ है ये भीड़ दिन भर ऐसे ही देखने को मिलेगी। कैमरामैन अशोक सोनोने के साथ विनय तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। तो आपने देखा कि मुंबई हो, पटना हो, वाराणसी हो, देहरादून हो, इंदौर हो, हर जगह से हम आपको दर्शन करा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी अभी भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता चंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देहरादून का रुख कर लेते हैं, रामानुज के पास एक बार फिर से चलते हैं। रामानुज, आपने इस मंदिर से जुड़ी कहानियां भी बताई और क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है, गहरी आस्था श्रद्धालुओं की क्यों जुड़ी हुई ये भी आपने बताया, और ये भी बताया कि कार्यक्रम आज पूरे दिन क्या चलने वाला है। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2 दिन महाशिवरात्रि का यह त्यौहार मनाया जा रहा है, आज भी और कल भी ऐसा रहेगा। क्या पंडित जी से इस बारे में बातचीत हो पाई है कि यह संयोग इस बार क्यों देखने को मिल रहा है, और इस संयोग में श्रद्धालु कैसे पूजा अर्चना करें? बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल आपने किया, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ये यहाँ की तस्वीरों को आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से जैसे जैसे दिन आगे चढ़ रहा है उसी तरह से श्रद्धालुओं का जो तांता है वो भी बढ़ता जा रहा है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी जब जी मीडिया ने यहाँ के पुजारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से ये बताया कि पूरे विधि विधान के साथ अगर श्रद्धालु आज दिन भर पूजा कर सकते हैं तो वो अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं।
हैं, ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों साल में इस तरह का मुहूर्त बनता है, इसलिए भक्त पूरी श्रद्धा के साथ अगर आज शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और चूंकि ये जो प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल से इस मंदिर का जिक्र किया गया है और गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी, और ये शिवलिंग जो है स्वयंभू शिवलिंग है, यानी अगर यहाँ पर कोई भक्त आता है और शिव केवल शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, इस तरह की मान्यताएं हैं। और आप यही देखिए कि यही वजह है कि चाहे वो भक्तों का देहरादून के आसपास के इलाकों का आना हो या देहरादून के बाहर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या पंजाब से हो, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। और दूसरा ये इसका एक बहुत अद्भुत नजारा ये है कि जिस तरह से इसका टपकेश्वर नाम है, आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है उसकी कंदराओं में बना हुआ ये मंदिर है और यहाँ साल भर पानी टपकता रहता है। और ऐसा भी कहा जाता था, कथाओं में इस बात का जिक्र है कि इसी समय यहाँ पर दूध की जो जलधाराएं थी वो टपकती थी और इसको तपेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी प्राचीन काल में जाना जाता था। जी रामानुज, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी विशेष जानकारी इस मंदिर के बारे में देने के लिए, और उससे भी बड़ी बात भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए देहरादून से, और साथ ही साथ इंदौर से हमारे सहयोगी कन्हैया का भी हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने इस मंदिर से जुड़ी इतनी अच्छी बातें हमें बताई और पंडित जी से भी ये बताया कि किस तरीके से भोले बाबा को श्रद्धालु प्रसन्न कर सकते हैं। कन्हैया रामानुज का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम भुवनेश्वर का रुख करते हैं, चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखते ही बन रही है, सभी श्रद्धालु भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से जुटे हुए हैं। भुवनेश्वर की बात करें, ओडिशा की बात करें, तो वहां किस तरीके से महाशिवरात्रि मनाई जाती है? देखो, दो दिन की जो ये शिवरात्रि का महोत्सव है, यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है अभी से शुरू हो गया है, ये जो उत्सव अभी से शुरू हो गया है। ये है लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर के बाहर हम खड़े हैं। लिंगराज मंदिर से अभी से जो दर्शन करने के लिए भारी संख्या से लोग आए हैं, भारी संख्या से श्रद्धालु जो आए हैं यहाँ से। अभी से प्रशासन की स्तर से जो बैरिकेड की व्यवस्था किया गया है, राज्य और बाहर से भी बहुत लोग यहाँ पे आए हैं। तो देखा गया कि जो आज जो समय निर्घंट किया गया है, कुछ समय से आज कुछ लोग शिवरात्रि मान रही है और कल भी शिवरात्रि मान रही है, तो दो दिन का ये जो दौरा है, दो दिन का ये जो उत्सव मान रही है, इसके लिए स्वतंत्र नीति निर्घंट के लिए एक बैठक पहले से भी बना गया है। पुलिस प्रशासन और यहाँ की जो मंदिर का जो कमिटी है उसका अंदर एक समन्वय मीटिंग भी किया गया था। तो कल भारी संख्या से और ज्यादा भी ज्यादा लोग देखा जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि कितने भारी संख्या से श्रद्धालु। बिल्कुल चंदन, हम देख पा रहे हैं और ये लाइन जो है आधी रात से ही लगी हुई है शिवालय और मंदिरों के बाहर। पूरी श्रद्धा के साथ सभी भक्त भोले बाबा की पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हम चलेंगे पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जयपुर के किस प्रसिद्ध मंदिर के पास इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या मान्यता है, कितना प्राचीन है ये मंदिर और कैसी रौनक देखने को मिल रही है महाशिवरात्रि को लेकर के? भारी भीड़ हम देख पा रहे हैं आपके पीछे। देखिए, कह सकते हैं आज छोटी काशी है, हर महादेव और बम्बा भोले के जयकारों से गुंजायमान है। हम इस समय है झारखंड महादेव मंदिर, बड़ा प्राचीन मंदिर है और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटी काशी के तमाम जो शिवालय है उनमें इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। मेरा कैमरा पर्सन जो लव कुमार है वो सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे भगवान शिव का अभिषेक करते हुए, किस तरह से जो भक्त है भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तमाम सेवादार है, सेवा में लगे हुए हैं और देर रात से यहाँ पर तैयारियां कर ली गई थी और आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बिलपत्र, आग, धतूरा आज चढ़ाया जा रहा है और भगवान से मनोकामना मांगी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ भक्त हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितनी आस्था है इस मंदिर को लेकर? महाशिवरात्रि पर्व, देवाधिदेव महादेव बाबा, झारखंड मंदिर जयपुर स्थित शिवालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों की असीम आस्था है यहाँ और इस आस्था के प्रतीक स्वरूप आज महाशिवरात्रि पर्व झारखंड मंदिर
जैसा कि अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि छोटी काशी के रूप से विश्व विख्यात जयपुर नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भक्तों की अपार भीड़ इस बात की सूचक है कि सब लोग देश में सुख शांति और समृद्धि के लिए शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और पूजन सामग्री चढ़ाकर देश की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, छोटा बच्चा भी, आपने भगवान शिव का अभिषेक किया? हाँ। मनोकामना मांगी? हर सोमवार को आते हो, शिवरात्रि को आते हो? शिवरात्रि और सोमवार दोनों को आते हो। आप बताइए, आप तो यहाँ के सेवादार हैं, हमेशा आते हो? हाँ, यहाँ पर मैं तो दोनों टाइम आता हूँ और भक्तों को इतने दर्शन मिलते हैं कि वो इतने खुश होते हैं। और शिवरात्रि में हम तो रात से यहीं थे और सुबह 4 बजे से सेवा दे रहे हैं और भीड़ का शाम का जो नजारा होता है वो अद्भुत होता है। अद्भुत, बहुत भयंकर भीड़ होती है, लोग वहाँ आते हैं और यहाँ पर खूब हर्षोल्लास से बम बम बोले बोले करते हुए आते हैं। आप भी अपने परिवार के साथ आइए भगवान। हाँ, मैं भी आती हूँ और मेरा तो इतना विश्वास है, मेरा बेटा आईसीयू में था, मैं आई, अभिषेक किया, लाइन में लगी, मेरा 4 घंटे में नंबर आया, वो आईसीयू में था, फिर भी मेरे को लगा कि भाई वो आईसीयू में, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से गई वहाँ जाते ही मेरे को गोद में ले दिया, आईसीयू से बाहर निकाल दिया। जब से मेरा इतना विश्वास है कि बस भगवान शिव का अभिषेक बाराती के रूप में आपने बताया था किस तरह से, जैसा कि हम यहाँ पर शाम को भजन संध्या होगी, जैसे कि सारे भक्त अपने बराती के रूप में सज धज के आएंगे और नाचेंगे, इतने अच्छे भजन होते हैं हर साल। हम पिछले 25 साल से यहाँ बाबा झारखंड के चरणों में देख रहे हैं। बिल्कुल दीपक, तो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सभी भक्त और आप भी, वो नजारा वाकई में अद्भुत होगा और हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक वो नजारा भी देखे, उस समय भी हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं भुवनेश्वर का, हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, ये रौनक देखते ही बन रही है और शायद भोले बाबा की महिमा क्या है इसका वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाए। आपके साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, कुछ भक्त भी मौजूद हैं, उनसे जरा पूछिए कि ये जो मंदिर है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, ये मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन है और क्या उनकी भी कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई इस मंदिर के साथ कि यहां आए हो और कोई चमत्कार भोले बाबा ने कर दिया हो? देखो, हमारा साथ यहां पे यहां की पूजक जो है, पूजक है, तो हम पूछेंगे कि ये मंदिर कितना पुराने है और जो कल के जो नीति निर्घट किया गया है, क्या क्या नीति निर्घट किया गया है? जो मंदिर है ये तो हमारा उम्र है 49 साल है, इससे भी और हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जो इसमें मन है यो ठाकुर इसका करुणा उपहार है। कल सुबह 3 बजे खोलेंगे, प्रभु का आलति करेंगे, लिंगराज जी का आलति होगा, इसका बाद में सब दर्शन में आएगा, दर्शन खोला 3:30 से होगा। अभी जो नीति निर्घंट किया गया है, महादीप कितना देर लगेगा और कितना टाइम में महादीप उठेगा? और दूसरी बात ये कि जो ये 2 दिन के लिए जो महाशिवरात्रि पालन किया जाता है, इसमें और महाशिवरात्रि पालन करने से क्या अपार जो कृपा लाभ करता किया जाता है? आप जो बोलते हैं, जो महारात्रि शिव का जो कृपा है, जो करता है वो जानता है, जो नहीं करता है वो इसको बोलने से वो क्या बोलेगा, जो करता है प्रभु क्या कृपा क्या करूँगा वो जानेगा। और कल रात 10 बजे महादीप उठेगा, लेकिन तो 10 बजे नीति निकल। बिल्कुल चंदन, ये बात पंडित जी ने बहुत अच्छी कही, बहुत सुंदर बात है कि महाशिवरात्रि की महिमा वही भक्त समझ सकता है जो खुद महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाता हो, भोले बाबा के लिए व्रत रखता हो। बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से पटना का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, बिहार में तो खास करके भोले बाबा के लिए एक पूरा महीना ही बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और वो महीना होता है सावन का, जहां केसरिया रंग में सभी भक्त रंगे हुए रहते हैं और झारखंड के देवघर में पहुंचते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए। और वैसे ही रौनक महाशिवरात्रि के दिन भी पटना के हर शिव मंदिर में देखने को मिलती है। इस वक्त किस शिव मंदिर के पास आप मौजूद हैं और भक्तों की कैसी भीड़ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अंजलि, चूंकि महाशिवरात्रि तो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, हालांकि अभी हम खड़े हैं राजा बाजार शिव मंदिर में, जहां पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो, चूंकि श्रद्धालु जो है वो यहां खुद मौजूद है और सभी श्रद्धालु पूजा करने के लिए मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, ताकि जितने भी, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात है जो कन्याएं होती हैं वो अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए पूजा पाठ ज्यादा करती हैं। हालांकि शिवरात्रि को लेकर के तो तस्वीरों जो दर्शकों को दिख रही है कि लंबी कतारें अंदर लगी हुई है, अंदर हमारा कैमरा वहां पे नहीं जा सकता है इसीलिए बाहर ही है, लेकिन तस्वीर जो दिख रही है उससे साफ पता चल पा रहा है कि श्रद्धालु जो है वो कितने जो है यहाँ पे उत्सुक है और पूजा करने में लगे हैं। अब मंदिर की तस्वीर जो है वो देखिए
काफी पुरानी मंदिर है, हालांकि इसे बनाया गया है। और इसमें जो सबसे अहम बात है, जो यहाँ की आबादी है उसको लेकर के भी काफी भीड़ यहाँ जुटती है। तो एक जो महाशिवरात्रि का जो दिन आया है, तो वो उत्सुकता पूर्वक और एक तस्वीरों के माध्यम से हमें भी दिखाएंगे कि जो जितने महिलाएं जो पूजा कर ली है, जो उपवास किए हैं, वो यहाँ पे हवन कर रही है। हालांकि हवन तो धीरे धीरे जैसा ही करके ये खत्म हो रहा है। मैम, ये बात करेंगे कि शिवरात्रि है कैसे, क्योंकि अच्छा पर्व माना जाता है इसे, शंकर जी का कैसे खुश करती है भगवान शंकर? पूजा करके ये हम लोग फल चढ़ाते हैं, सिंदूर, रोड़ी, चावल, कपूर हवन करते हैं, भांग, धतूरा। क्या कुछ खास मांगती है फिर? मतलब जो अपने मन से, जो मन में रहता है वो मांगते हैं। मतलब जैसे अभी तो सक्सेस का चाहिए, तो सक्सेस का कुछ भी। भगवान शंकर से बहुत चीज मांगने की कोशिश करते हैं, और छात्राएं हैं वो भी चाहती हैं कि इसी तरीके बहाने भगवान से कुछ मांग ले और कुछ मिल जाए। तो एक जो श्रद्धालु है वो ठीक है। तो हम एक बार फिर से यहाँ पे बता दें जीवीआर झारखंड के तमाम दर्शकों को कि पूरे दिन ये बड़ी कवरेज महाशिवरात्रि के खास मौके पर आप देखेंगे। हमारे साथ जयपुर से इस वक्त हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए अलग अलग शिव मंदिरों से, दीपक और रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पटना से हमारे दो सहयोगी नवजीत और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका फिर से रुख करेंगे। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम